एक बार फिर से बगावत के बिगुल घर के अंदर बज चुके हैं और यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा सामने आया है। कौन कर रहा है ये नारा, किसके खिलाफ कर रहा है ये, क्या है पूरा माजरा, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से मौजूद हूँ, तो वहां पर फॉलो अवश्य करें। बात करते हैं दोस्तों कि घर के नए कप्तान के बारे में। एक जंगली भेड़िया वाला जो टास्क आया था, उसी टास्क के दौरान प्रतीक और नेहा घर के नए कप्तान बन गए, यानी कि बॉसमैन बॉस लेडी बन गए। अब ऐसे में बाकी के जो तीन लोग जो इनसे खफा बैठे हैं, राइट, जैसे कि दिव्या अग्रवाल, मिलिंद गाबा और नन अदर देन अक्षरा सिंह, तो ये तीनों ने बगावत शुरू कर दी है कि इनकलाब जिंदाबाद, हम इनकी कप्तानी के अंदर कोई भी काम नहीं करेंगे। दोस्तों बिग बॉस है ये, और ये हमने देखा है पास में कि किस तरीके से जो है अगर कोई कैप्टन पसंद नहीं आता है तो उसके तहत काम नहीं किया जाता। इनफैक्ट बिग बॉस सीजन 13 में भी ये था, देखा था हमने, ये हमने बिग बॉस 14 में भी देखा था, अगर आपको याद होगा, आई गेस रुबीना के टाइम पे ये हुआ था या किसी के टाइम पे हुआ था। तो दोस्तों एक बार फिर से घर के अंदर बवाल शुरू हो गया है और उसी को लेकर प्रतीक जो है, जिसके तेवर हमेशा चढ़े चढ़े रहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी लाइव फुटेज में हम देख रहे हैं दोस्तों कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जब गार्डन एरिया में काम नहीं हो रहा है तो अक्षरा, मिलन और दिव्या बैठे हैं, तो वो सबके पास जाके बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा फनी है, हिलारियस है, लेकिन अच्छी बात है कि प्रतीक अपनी कैप्टनसी की ड्यूटी निभा रहा है। अब देखते हैं कि घर वाले जो है इस चीज़ को अच्छी तरीके से रख पाते हैं या नहीं। आपका क्या है कहना इस रिवॉल्ट को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।